नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, घर तक पहुंचेगी जुर्माने की रसीद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में रखा इतने सीटों का टारगेट। आज है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर दिया निर्देश। धवन को कप्तानी से हटाने पर कैफ हुए निराश। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तेज वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, घर तक पहुंचेगी जुर्माने की रसीद। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बने बिहार की राजधानी पटना में गंगा पथवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए दो पुलिस वाहन व 12 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। यही नहीं, जेपी गंगा पथ, अटल पथ, एम्स एलिवेटेड पर सितंबर से 4 दर्जन से अधिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्डर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे इसलिए लगाए जाएंगे ताकि तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों को पकड़ा जा सके और उनके गाड़ी के नंबर से उनके घर का पता लगाकर जुर्माने की रसीद उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। वहीं चेन स्नैचिंग के मामलों को देखने के लिए 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और 10 क्विक मोबाइल के जवानों की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में रखा इतने सीटों का टारगेट। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच भाजपा ने बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बीते दिन राजधानी दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। इस बैठक के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार महागठबंधन लोगों को धोखा देने का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेगी और बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, BL संतोष, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, जनक राम और नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे। प्रदेश में थमा बारिश का दौर। बिहार में मानसून ने इस बार बिहार वासियों को धोखा दिया है। किसानों की धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिहार में एक बार फिर से मानसून कमजोर पड़ गया है। बारिश का दौर थम सा गया है। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं जारी किया है। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से गर्मी सताने लगी है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो इस सप्ताह के शुरुआत में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। वहीं मंगलवार राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम सूखा रहा। कोर्ट ने कहा नेपाली नगर मामला SIT को सौंपी जाए। राजीव नगर नेपाली नगर मामले में बीते दिन कोर्ट में हुई सुनवाई अधूरी रह गई। इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी, लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि इस मामले की जांच SIT को दे दी जाए। दरअसल राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जब पूछा कि जमीन को जिन कोऑपरेटिव वालों ने आम लोगों को गैरकानूनी तरीके से बेचा उनमें कितने को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, तभी महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। वहीं अब तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जिस पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच SIT को दे दी जाए, वह तुरंत आरोपितों को गिरफ्तार कर लेगी। जदयू के हरिवंश नारायण राज्यसभा में बने रहेंगे स्पीकर। बिहार में NDA से जदयू के अलग हो जाने के बाद यह बात भी जोड़ों पर थी कि अब राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जदयू कोटे से आते हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं जदयू की लाइन से इतर वह इस पार्टी में बने रहेंगे, ये बात कोई और नहीं बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही है। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद पर उनका कहना है कि NDA गठबंधन से जदयू का अलग होना राजनीतिक फैसला है, जबकि वह एक सदन में डिप्टी स्पीकर है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सावन की तरह ही भादो माह में भी पहुंच रहे हैं कांवरिया। सावन की तरह भादो माह में भी कांवरियों का भीड़ नहीं थमा है। अभी भी कांवरिया का भागलपुर स्थित अजगैवीनाथ धाम आना जारी है। बस, ट्रेन सहित अन्य वाहनों से कांवड़ियों का यहां आना अभी भी जारी है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार झारखंड के अलावा बंगाल एवं असम के कांवड़िया भादो मास में भी अधिक आ रहे हैं। वहीं यहां कांवड़ियों को जोखिम भरे कच्ची सीढ़ी घाट पर स्नान करना पड़ रहा है। बताया गया है कि यहां प्रशासन जितनी सुविधा सावन माह में मुहैया करवाती है उतनी सुविधा भादो माह में नहीं करती है। यही वजह है कि लोगों को अभी कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक हथौड़ी और छेनी अकेले 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर के सड़क बना डाला। इनकी जीवनी आज के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। किसी भी काम को अगर इंसान करने की ठान ले तो वह उस कार्य में सफल हो ही जाता है। बिहार के गया में पहाड़ का सीना छेद कर सड़क बनाने वाले दशरथ मांझी का निधन आज ही के दिन 17 अगस्त को हुआ था। आज हम सब उन्हें उनकी
की पुण्यतिथि पर याद करते हैं। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर दिया निर्देश। बिहार में मानसिक तौर पर बीमार मरीजों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पटना हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। वहीं बीते दिन मानसिक रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हर राज्य में मानसिक रोग के अध्ययन और इलाज के लिए कॉलेज हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां मानसिक रोग के अध्ययन और इलाज के लिए कोई कॉलेज नहीं है। कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंड में कमी आई है, क्योंकि फंड का राज्य द्वारा पूरा उपयोग नहीं हो रहा था। वहीं अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। पटना विश्वविद्यालय को मिले कुल 28 शिक्षक। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर किया गया है। पटना विश्वविद्यालय में कुल 28 शिक्षकों की नियुक्ति को सिंडिकेट से स्वीकृति मिल गई है। इसमें स्टैटिस्टिक्स से 9, जियोलॉजी से 5, पर्सियन में 4, अरबी से 3, PMIR से 3, लोक प्रशासन से 4 शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है और ये सभी इसी महीने से विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित होंगे। वहीं पटना विश्वविद्यालय में इंटर कक्षा की पढ़ाई की भी बात चल रही थी, हालांकि अभी उस पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पदों की बहाली की मांग की गई है, तभी विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंटर की पढ़ाई सुनिश्चित हो पाएगी। सितंबर में भाजपा को मिल जाएगा बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद और जदयू का NDA से बाहर होने के बाद भाजपा ने बीते दिन अमित शाह और JP नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर घंटों मंथन किया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक खाका भी खींचा गया है। वहीं BJP के एक नेता ने कहा कि सितंबर के 2 सप्ताह तक बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। BJP नेता ने कहा कि बैठक का एजेंडा बिहार BJP के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के मजबूत नेता का चुनाव था। मालूम हो कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल सितंबर महीने के बीच सप्ताह में पूरा हो रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार बिहार आ सकते हैं लालू यादव। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू यादव आज पहली बार पटना आ रहे हैं। ऐसी खबर है। इस खबर के बाद राजद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। मालूम हो कि इससे पहले 15 अगस्त को लालू यादव की आने की खबर थी, लेकिन उनका पटना आगमन नहीं हुआ। हालांकि अब आज लालू यादव के बिहार आगमन की खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो आज शाम पटना पहुंच रहे हैं। पाटलिपुत्र बिल्डर्स के मालिक अनिल सिंह की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटलिपुत्र बिल्डर के मालिक अनिल सिंह की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। दरअसल बिल्डर अनिल कुमार पर कई कंपनियों के प्रबंध निदेशक होने के नाते धोखाधड़ी और जैसे अपराधों के कमीशन में शामिल होकर विभिन्न घर खरीदारों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप है। अनिल कुमार पर धोखाधड़ी, बेईमानी और जनता का पैसा हड़पने की बात प्रमाणित हुई है। इसके बाद अनिल कुमार पर IPC के तहत जबरन वसूली सहित कई संगीन जुर्म के मामले में केस दर्ज किया गया है। ऐसे में ED ने संदिग्ध को 7 नवंबर 2021 को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल सिंह की 2 जगहों की 2.6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। धवन को कप्तानी से हटाने पर कैप हुए निराश। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने धवन को जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। कैफ धवन को कप्तानी से हटाए जाने पर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये कप्तानी वाला विवाद नहीं होना चाहिए था। शायद KL राहुल की रिपोर्ट लेट आई और कम्युनिकेशन की कमी दिखी। अगर भारतीय टीम ये सीरीज शिखर धवन की कप्तानी में ही खेलती तो मुझे नहीं लगता है कि इससे KL राहुल को कोई दिक्कत होती। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर किसी को कप्तान बना दिया आता है तो फिर उसे कप्तान बनाए रखना चाहिए। कानून मंत्री पर लगे आरोप पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर पहले से ही कोर्ट ने अपहरण के मामले में वारंट जारी किया था। आश्चर्य की बात है कि कानून मंत्री पर भी कानूनन जुर्म के मामले पहले से ही दर्ज हैं और इस पर कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करने के लिए भी कहा था। लोगों का इस पर कहना है कि इसके बावजूद भी उन्हें महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाया गया है। इस पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इन सब की जानकारी नहीं थी। वहीं इस मसले पर कार्तिकेय सिंह ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अब कोर्ट ने इस मामले पर करते हुए मोकामा थाना के नाम से जारी आदेश में कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने का निर्देश दिया है। कानून की भाषा में इसे नो कोएर्सिव कहा जाता है।
देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी की गई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,062 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 76 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 33 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 55,698 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 163 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वीरचंद पटेल, अमर आज़ाद, सूरज कुमार, इस निशा, गुलफराज अहमद, संतोष कुमार, सोनी कुमारी, सलीम भाई, राजेश मांझी, परवेज आलम, कविता कुमारी, सुमेंद्र यादव और यशवंत राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम में कौन से खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतरीन होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।